अगर मैं आपको बोलूं इस संसार में जो कुछ भी आपको चाहिए आपको मिलेगा, आपके बहुत सारे सपने हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो, सब कुछ होगा, सिर्फ एक काम करना है। कौन सा काम है? और एक शर्त है, अगर आप उसको मान लिए तो हो गया काम। आपको बस ऐसे ही रहना है, कोई आएगा और आपके हाथ में वो सब कुछ दे कर जाएगा जो आपको चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है ना दोस्त, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि सब कुछ मुमकिन है। जब भी बात की जाएगी ब्रह्मचर्य की, जब भी बात की जाएगी वीर रक्षा की, तो याद रखें कि ये सिर्फ फीमेल अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। मेरे सामने देखा हुआ है ये सब कुछ, मैंने एक्सपीरियंस किया है हजारों बार, जो भी मुझे चाहिए वो सब कुछ मुझे मिला है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज हम लोग टारगेट रखते हैं 4000 लाइक्स के लिए। मुझे पता है कि आप ऑनेस्टली ब्रह्मचर्य का पालन करोगे मेरे साथ पूरे साल, आपके बहुत सारे सपने होंगे, सबके सब पूरे होंगे, मैं कहता हूं आपसे होंगे। लेकिन एक मेरा ऐसा काम है जो आपको करना पड़ेगा, कर पाओगे? है यकीन? भाई जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, थोड़ी सी मेहनत है। अब बोलोगे भाई क्या बताने वाला है ऐसा, थोड़ा सा रुको। जब भी बात की जाती है आकर्षण की, फीमेल अट्रैक्शन को लेकर जो क्रेज है, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें और जानना है फीमेल अट्रैक्शन कैसे मिलता है ब्रह्मचर्य में। लेकिन मैं आपसे कहता हूं रुके नहीं यहां पर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फीमेल अट्रैक्शन के लिए कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो वो है ही नहीं ब्रह्मचर्य। एक तो आप शरीर के ऊपर काम करोगे, माइंड के ऊपर काम करोगे, स्पिरिचुअली आपको जो ग्रोथ देखने को मिलेगी वो कमाल की होगी। आपके मॉलिक्यूलर बॉडी में जो संस्कार हैं वो बदलेंगे, इस जन्म के लिए नहीं, आने वाले कई जन्मों के लिए। आप अभी से तय कर रहे हो कि आपको क्या बनना है। अगर आपके मन में स्वार्थ नहीं है तो जो भी सपने आप देखते हो वो सब पूरे होंगे, ये है वो कंडीशन। जानते हो कौन सा काम है जो आपको करना होगा? आपको ब्रह्मचर्य का तो पालन करना ही है, लेकिन एक ऐसा वक्त है जो आपको हाथ से नहीं जाने देना है। 24 घंटे होते हैं ना, एक ऐसा मोमेंट है, सबसे पावरफुल मोमेंट है वो 24 घंटे में से, ब्रह्म मुहूर्त। और सिर्फ उठना ही नहीं है, लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाऊंगा चमत्कार देखने को मिलेंगे, नहीं, कुछ करना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना होगा, जिसके बाद जो भी आपके सपने हैं वो सब कुछ आपके सामने होंगे, रियलिटी होंगे, जो भी आपको चाहिए। है हिम्मत? इतना कर पाओगे? ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे? अगर आप ये वीडियो दोपहर में देख रहे हो, रात में देख रहे हो, शाम में देख रहे हो, तो इस वीडियो को आपको सुबह में भी एक बार देखना पड़ेगा, और उसका फायदा जो आपको मिलेगा वो आप तभी जान पाओगे जब आप इस वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में देख रहे हो। मान लीजिए अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय है, घड़ी में बज रहे हैं 3:20, ये जो मोमेंट है अभी सब कुछ शांत है, आप हो, ये नेचर है, सब कोई सोए हुए हैं। इस मोमेंट में आप क्लोजेस्ट हो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस के, ऐसे ऐसे चमत्कार हो सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आपको फील हो सकती हैं जो आप किसी और को बताओगे ना तो वो बोलेगा अबे पागल है क्या, यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो सोया हुआ है। वो यकीन नहीं करेगा क्यों? क्योंकि वो सुबह में नहीं उठ सकता ब्रह्म मुहूर्त में, वो आपकी बात नहीं मानेगा। पेड़ पौधे, सनलाइट, स्काई, आसमान, धरती, जल अपने प्यूरेस्ट स्टेट में होते हैं उस वक्त, जो ऑरा बनता है। जेन योगा में बोला जाता है कि जब इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसकी जो ऑरा है चारों ओर एक अलग ही तरह से निखर कर आती है, सत्वगुण होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तमस को कम करने में बहुत हेल्प करता है ब्रह्म मुहूर्त। ऐसा नहीं है कि अच्छाई जीत गई बुराई से, नहीं, इतना ही नहीं है, बल्कि आपके माइंड में उस वक्त जो भी चीजें चल रही होती है ना वो रियलिटी बनता है। ब्रह्म मुहूर्त होता है क्रिएशन के लिए,
आप चाहो तो उस वक्त उठकर मेडिटेशन कर सकते हो, आप चाहो तो एक्सरसाइज कर सकते हो। सिंपली से बैठ के आपको बस अपने अंदर जाना है, देखना है कि मेरे मन में क्या क्या थॉट्स चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, ये बाद की बात है। लेकिन आपको एक सुनहरा मौका मिलता है कनेक्ट करने का नेचर के साथ, जो कि किसी आम इंसान को नहीं मिलता जो सोया हुआ है। सबसे पहले देखिए, ये एक दिन में नहीं होने वाला। आपको ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठना है तो एक दिन पहले से आपको उसकी तैयारी करनी होती है। मान लीजिए मुझे कल उठना है ब्रह्म मुहूर्त में, तो मुझे आज रात 8 बजे तक सोना पड़ेगा, तभी मैं कल उठूंगा। और ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये उनके लिए है। 8 बजे सोना होगा एटलीस्ट, तभी जाकर आपकी नींद पूरी होगी। जब आप दूसरे दिन सुबह में उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि पहले ही दिन मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हुए, कोई स्पिरिचुअल मास्टर्स के सोल आकर आपसे कुछ कहने लगे, वो सब नहीं होता। वो सीख करते हैं कि कौन है ऐसा जो जाग रहा है सचमुच में, जो सीख करना चाहता है। सीकिंग इज द राइट वर्ड, इच्छा नहीं है, हमें जानना है सही में। उनके लिए सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं। मैं पहले यकीन नहीं करता था, ऑनेस्टली बता रहा हूं, मुझे कभी यकीन ही नहीं आया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से कुछ होगा। मैं सोचता था किताबी बातें हैं, कोई उठता होगा उसको कुछ महसूस होता होगा, एक दो दिन के लिए वो नींद में होगा, उसको कुछ सपना आता होगा कि बहुत अच्छी दुनिया में वो पहुंच गया है सपनों में, तो उसको लगता होगा कि नहीं ये मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस है। नहीं नहीं, असलियत में ऐसा फील होता है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो ना, थोड़े दिन के लिए आप ध्यान करते हो, आपको लगेगा मैंने आज जो अनुभव किया इससे पहले मैंने कभी अनुभव नहीं किया। मान लीजिए आपको किताब पढ़ना पसंद है, तो जाएं किताब पढ़ें, अगले दिन एक्सरसाइज करें, उसके बाद वाले दिन प्राणायाम करें, हर दिन अलग करें कुछ। वही प्राणायाम को दोबारा से आप करें 9 बजे 10 बजे, वही आप इंसान हो, लेकिन देखना अंतर कितना बड़ा होता है। इस वीडियो का पॉइंट यही है कि जो ऑरा बनता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, जो अट्रैक्शन वहां से आपको मिलता है, वो ऐसा होता है ना कि कोई इंसान आपको भीड़ में भी खोज लेगा, अलग बनाता है आपको सबसे। और ये जो अट्रैक्शन है ना, वो कभी जाता नहीं है। जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी लाइफ बदलती ही बदलती है, लेकिन उसके आसपास के लोगों को भी ये एहसास होने लगता है कि ये बंदा कुछ और है, अब ये अलग हो चुका है हमसे, उनका लेवल कुछ और है। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका लेवल ना यहाँ है ना यहाँ है, उसका लेवल वहाँ पर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो इन लेवल्स की गेम से कब का बाहर हो चुका है, वो कंपटीशन से कोसों दूर जा चुका है, वो गेम में खेलेगा ही नहीं। बाकी सारे लोग जान लगा देंगे उस गेम में, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा उसको ये एहसास होगा उस गेम में कुछ रखा ही नहीं है। ये होगा एग्जाम्पल के लिए और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने के लिए, 4 लड़के हैं 20-20 साल के, लगे पड़े हैं किसी को इम्प्रेस करने में, चाहते हैं कि गर्लफ्रेंड मिल जाए, कुछ हो जाए। और दूसरी तरफ एक लड़का है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वो केयर भी नहीं करेगा किसी को इम्प्रेस करने की, उसको जरूरत भी नहीं है, अट्रैक्शन उसको नहीं चाहिए। जब आपको कुछ नहीं चाहिए होगा सब कुछ मिल जाएगा, ये नियम है। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी चाहत के, रिजल्ट की चाहत के, तब हमें सब कुछ मिलता है। सब कुछ से मेरा मतलब है अटेम्प्ट, कर्म, हमें सीखने को मिला उससे, वही सबसे बड़ा रिजल्ट है। क्योंकि वो रिजल्ट ना ही आपको खुश कर सकता है ना ही आपको दुखी कर सकता है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं हमें एक नई डायरेक्शन मिलती है चीजों को देखने की, समझने की। आपको प्यार हो जाएगा किससे? कुदरत से। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करोगे ना, आपको लगेगा कि यार जल्दी सुबह हो, मैं फिर से उठना चाहता हूं ब्रह्म मुहूर्त में, ये फीलिंग आती है,
तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी रियलिटी बनता है। किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हो, जो चाहिए वो मिलेगा, अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हो तो। ब्रह्मचर्य का पालन करते रहो इसी तरह। इस वीडियो को शेयर करो हर एक इंसान के साथ जो गलत काम करता है और अश्लील चीज़ें देखता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।